इतना तो हक बनता है। बहुत दिन हो गए तेरे होठों ने छुआ नहीं है मुझे, एक बार चूम ले सब समझ जाऊंगी। क्या कर रही है तू? अरे मेरा हाथ छोड़ो छोड़ो। मोहिनी छोड़ो उसे। तेरा दिमाग कुछ मत पूछ। बहुत दिनों बाद मिला है वो भी यहाँ अस्पताल पहुंच गया है। यहाँ से अक्सर लोग वापस नहीं जाते जिनके अपनों का साथ ना हो वो। मैंने तो कर क्या लिया उस बेचारे का हाथ। अरे तुम अभी तक उस नर्स के बारे में सोच रहे हो? मैं तो उसकी बात कर रही थी जिसे तुम अस्पताल छोड़ने आए थे एक्सीडेंट के बाद। वही कारण था ना यहाँ आने का तुम्हारा? मैं तुझे सब कुछ सच बता दूंगा लेकिन प्लीज अभी तू यहाँ से चली जा। बाबू ने कहा पिंड छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेंगे मोहिनी दुनिया ही छोड़ दो। कितनी दुनिया तुमने देखी है ना, उससे कई ज्यादा मैं अपने पल्लू में बांधकर घूमती हूँ। तुझे पार्टनर बनाया था मैंने, उसका कारण था। और अब अगर तेरे कारण बदलने लगे तो मोहिनी को हल्के में मत लेना। दिल तोड़ा है तूने मोहिनी का, और अगर इसकी टीस तेरे सीने में उठे तो मोहिनी को याद कर लेना। स्वाद नहीं है तेरे में। पार्टनर, पार्टनर तुम आओ, मैं तुमको कहाँ कहाँ ढूंढा। अच्छा सुनो, वो डॉक्टर अंकल तुमको बुला रहे हैं, उनको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है तो चल मैं आ रहा हूँ। मोहिनी कुछ गड़बड़ ना कर दे। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटा आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।